हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फ्रेंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ही आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन बार बार पूछा और उन लोगों को मैं काफी बार आंसर कर चुका हूँ कमेंट्स में, पर्सनल मैसेजेस में, सोशल मीडिया पे एंड काफी अदर प्लेटफॉर्म्स पे। तो क्वेश्चन ये है भैया कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम फॉर ट्रेड, यानी कि ट्रेड लेने के लिए परफेक्ट टाइम कौन सा है, हमारी जो स्ट्रेटजीज है वो अच्छे से वर्क करे उसके लिए कौन सा टाइम परफेक्ट है। ये सारी चीजें काफी बार मुझसे लोगों ने पूछा है, मैं आंसर भी किया है, लेकिन एक बड़े स्केल पे यानी यूट्यूब पे मैंने इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं द परफेक्ट टाइम, एक अच्छा टाइम जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। देयर आर सो मेनी बिग ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इस टाइम को रिकमेंड करते हैं, नॉट ओनली मी। और ये जो टाइम है ये ओवरलैप सेशंस के बाद आता है, तो काफी अच्छा मार्केट इंपैक्ट और अच्छा सा प्रॉफिट आपको यहां से मिल सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता देता हूं भैया, लाइक नहीं किया ना वीडियो को, अभी लाइक करो, आगे बढ़ो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, किसका वेट कर रहे हो? टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, भी ज्वाइन हो जाओ। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या चीजें समझने की जरूरत है जब हम ट्रेड लेते ना, या तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक परफेक्ट टाइम है जहां पे आपकी सारी स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हां, देयर आर सम लूप होल्स, कुछ ऐसी जरूरत, ऐसी जरूर ऐसी कोई टाइमिंग है जहां पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीजें समझने की जरूरत है अबाउट द सेशंस। हमारा जो पूरा दुनिया है ना, उसमें जो तीन सेशन में वो टोटली डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेशन की बात करते हैं तो एशियन सेशन जो है टोक्यो के ऊपर डिपेंड करता है, देन सेकंड सेशन की बात करते हैं यूरोपियन सेशन जो हमारा डिपेंड करता है लंदन के टाइम बेस पे, और गाइस तीसरा जो लास्ट सेशन है यूनाइटेड स्टेट जो डिपेंड करता है न्यूयॉर्क पे। तो दीस काइंड ऑफ सेशन जो है, हमारे पास तीन सेशन है, तो हम बेसिकली ले लेते हैं टोक्यो सेशन, एक टोक्यो का जो है टाइमिंग, एक लंदन का, और एक जो लास्ट है हमारे पास न्यूयॉर्क, इनको लेके चलते हैं। तो यार किस तरीके से ना ओवरलैप सिचुएशंस काम करते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे बड़ा जो सेशन माना जाता है ना, सबसे बड़ा जो सेशन है वो आता है लंदन का सेशन। तो लंदन का सेशन कैसे ओवरलैप करता है, जब लंदन का सेशन स्टार्ट होता है और जब वो खत्म होता है, उस टाइमिंग के बीच में, उस वो टाइमिंग पे अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो दैट विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, प्रॉफिटेबल सिग्नल लेना चाहते हो, प्रॉफिट लेना चाहते हो, दैट टाइम मार्केट इज स्लाइटली स्टेबल, स्टेबल रहता है, आपकी लगभग लगभग सारी स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। तो टाइमिंग मैं बता देता हूं आपका, तो ये सेशन जो है लंदन का स्टार्ट होता है 2 PM की, अगर इंडियन की बात करते हैं, इंडियन टाइमिंग्स की बात करते हैं, तो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे 2 PM पे ये स्टार्ट होता है। एंड देन खत्म कब होता है, ये खत्म होता है 9 PM, यानी अगर आप 2 बजे ट्रेड लेते हो, एंड अगर आप 9 बजे ट्रेड लेते हो, इन द आफ्टरनून 2 PM एंड इवनिंग 9 PM अगर आप ट्रेड लेते हो, दैट विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस। आज जहां पे आपको मिनिमम फ्लक्चुएशंस मिलेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जो इसी टाइमिंग पे ट्रेड लेते हैं। ये कोई मिथ नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिटेबल सिग्नल्स ही लोगे, आप अच्छी खासी स्ट्रेटजीज आपकी सारी वर्क करेंगे, नहीं। लेकिन ऐसा है, अगर नहीं कुछ से, यानी अगर हम हमें चुनना हो बहुत बुरे में से, तो बहुत बुरे में से कम बुरा अच्छा होता है। यानी अगर ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है ना, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो सिचुएशन में 2 बजे 9 बजे, और लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मंडे टू फ्राइडे की, यहाँ पर मैं जो सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहा हूँ, सैटरडे संडे को तो नहीं लो, ये जो वर्क करता है ना, ये करता है मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे अच्छा टाइमिंग माना जाता है ग्लोबली, जो सेशंस डिवाइडेड हैं, टाइमिंग्स डिवाइडेड हैं उनके हिसाब से। तो आप किस तरीके से चीजें कर सकते हैं, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मिल गए होंगे कि भैया कौन सा टाइमिंग परफेक्ट है ट्रेड लेने के लिए। उम्मीद करता हूं मैंने पूरा बेस्ट दिया है वीडियो के अंदर, लाइक आपने कर दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे, सब्सक्राइब चैनल को आपने कर दिया होगा, अच्छी सी प्यारी से कमेंट करना बच गया है वो भी कर दो, फिर बहुत हौसला मिलेगा। कैसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।